सेल्फ डॉक्टर मयूख शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर द्रव्यकुंड डिपार्टमेंट इन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमन यूनिवर्सिटी जयपुर। आज हम आवर्तनी के बारे में बात करेंगे। आवर्तनी का बॉटनिकल नेम हेलिक्टेरस आइसोरा है और ये स्टरपुलियेसी फैमिली में आता है। इसके पर्याय देखें तो आवर्तनी, आवर्तफला, इसके जो फल होते हैं वो पेचदार होते हैं, इसलिए इसे आवर्तफला भी कहते हैं। हिंदी में इसे मरोड़फली कहते हैं और इंग्लिश में इसका नाम इंडियन स्क्रू ट्री है। इसका स्वरूप देखें तो ये 5 से 15 फीट ऊंचा गुल्म होता है या छोटा वृक्ष होता है। छाल इसकी दूसरे वर्ण की होती है। इसका रासायनिक संगठन देखें तो इसकी छाल में सेपोनिन, रंजक द्रव्य, लिग्निन आदि सब्सटेंस होते हैं और इसकी छाल से आइसोरा फाइबर निकाले जाते हैं। इसके रसपंचक देखते हैं तो गुण लघु रुक्ष है, रस इसमें कषाय है, विपाक इसका कटु है और यह शीत वीर्य वाली है। दोषकर्म देखें तो ये कफपित्त शामक होती है। इसके अलावा बाह्य कर्म देखें तो ये स्तंभन और व्रण रोपण का काम करती है, इसलिए रक्तस्राव और व्रणों में इसके फल का चून छिड़कते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें तो ये स्तंभन है, शूल प्रशमन है और कृमिहीन है, इसलिए अतिसार, प्रवाहिका, उदर शूल में और कृमि रोगों में इसका यूज किया जाता है। और इसके अलावा ये रक्तरोधक है, इसलिए रक्तातिसार में या अन्य अंगों से होने वाले रक्तस्राव में भी इसको यूज में लेते हैं। इसके अलावा ये मूत्र संग्रहणीय है, इसलिए प्रमेह में इसकी मूल त्वक का क्वाथ देते हैं। इसके प्रयोजन मूल, त्वक और फल है। क्वाथ की मात्रा 50 से 100 ml और फल चून की मात्रा 3 से 6 ग्राम काम में ली जाती है।